जी जनाब, रीजंस ऑफ फेलियर तो ऑलरेडी डिस्कस हो गए और एक बात समझ आ गई कि अप्रोच में कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है। नॉर्मली ये है कि हर स्टूडेंट का मानना है कि उसने बहुत पढ़ के पेपर दिए थे, और मैं अक्सर कहता हूँ कि पेपर से पिछली रात जो है वो एक कागज पर लिख लेना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है, और पेपर वाले दिन पेपर से बाहर निकल के भी एक कागज पर दोबारा लिख लेना चाहिए कि एग्जैक्टली पेपर कैसा हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे पेपर से बाहर निकलते हुए सब एक दूसरे को कह रहे थे, यार 70 नंबर का अटेम्प्ट हुआ है, वो 4 सवाल नहीं आते थे, फलाना में मसला था। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे होप्स बढ़ते जाते हैं। रिजल्ट से तकरीबन को 2 हफ्ते पहले ऐसा लगता है कि मैं तो पास होने वाला हूँ शायद। फिर आपकी की गई तपस्याएं, आपकी मुख्तलिफ जगह पे जाके मुख्तलिफ चढ़ावे, मुख्तलिफ तरह के जो जो भी आपके रिलीजियस रिलीजियस पैटर्न है उसको फॉलो करके आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई मेहनत तो अपनी जगह लेकिन अल्लाह भी तो मुआवजे करता ही है, और अल्लाह अपने गरीब बंदों के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा करम करता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसने क्या मेहनत कर दो और बाकी मुझ पे छोड़ दो, और मेहनत करने वाला मेरा दोस्त होता है। तो ये मेहनत करने वाली दोस्ती हम साइड पे कर देते हैं और बस फिर हम सिर्फ अल्लाह से दोस्ती की ख्वाहिश में लग जाते हैं कि अल्लाह हमारी तरफ देखेगा। ऐसा हो जाता है कभी कभी, इस तरह के मौजे भी होते हैं क्योंकि उसकी नजर में उस वक्त आपका पास होना शायद बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर उसे आपके लिए सिस्टम को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाना हो या आपको थोड़ा सा समझाना हो कि चीजें किस तरह से आगे चलती हैं, तो ऐसे में कभी कभी फेलियर काफी कुछ सिखाता है। अल्लाह करे फेलियर से हम चीजें सीखें। मेरी असम्पशन ये है कि सामने दो तरह के लोग हैं, ज्यादा वो लोग हैं जो जिन्होंने पहले ये पेपर पढ़ा हुआ है या कम अज कम आधा पढ़ा हुआ है या रिजल्ट तक पढ़ा हुआ है और अब वो इस क्लास में है। अजम्पशन नंबर टू ये है कि एक ऐसा बंदा जो बिगनर था उसने जज्बाती होकर कॉस्ट अकाउंटिंग उठा ली और महीने डेढ़ के बाद उसे पता लगा कि ये तो हैवी पेपर है। फिर तो उसके किसी सियाने दोस्त ने कहा, ओ यार तू की कर रहा है, बिजनेस लॉ पढ़ लो, सुकून ही सुकून है। तो उसने सोचा चलो ठीक है काम करते हैं, बिजनेस लॉ पढ़ लेते हैं, सुकून ही सुकून है का मतलब है चलो इस पर खुदा ना खास्ते मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो हर सब्जेक्ट पे करनी पड़ेगी, ये तय है कि इन चारों पेपरों में बिजनेस लॉ अब सबसे लाइट पेपर है, पहले ये सबसे भारी पेपर हुआ करता था, अब ये सबसे लाइट पेपर है। तो थोड़ा सा एक एक करके इसके डायनामिक्स को देखते हैं कि क्या है, किस तरह से पैटर्न है, क्या बुक्स फॉलो करेंगे, सिलेबस क्या है, किस तरह से चीजें लेके चलनी है, एक एक करके सारी बातें करते हैं। और मेरा मेन फोकस होगा उन लोगों पे जिनको पिछला बिजनेस लॉ का पेपर पता है, जस्ट ये आइडिया देने के लिए कि अब लॉ के पेपर में क्या चेंजेस हैं, और जब आपको चेंजेस समझ आएंगी तो आपको सब्जेक्ट से थोड़ा सा और प्यार हो जाएगा, क्योंकि काफी मोटिवेटिंग चेंजेस है आप लोगों के लिए। दो तीन चैप्टर्स को छोड़ के बाकी हर जगह आपको सहूलत मिलेगी, तकलीफ नहीं मिलेगी। एक एक करके चलते हैं। बुक्स कौन सी फॉलो की जाए, आपको पता है हमेशा से थ्योरी के हर सब्जेक्ट में लोग आईकैप की सोर्स बुक को नॉर्मली फॉलो किया करते हैं। आपको पता है आईकैप की एक किताब होती है स्टडी टेक्स्ट, नॉर्मली उसे फॉलो किया जाता है, उसमें एग्जाम्पल्स होती हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। आईकैप का जो पुराना किताब का पैटर्न था और जो नया किताब का पैटर्न है उसमें काफी फर्क है। पुराने जमाने में किताब का पैटर्न जो है वो काफी कंसिस्टेंट चलता था, प्रॉपर पोर्शन सेक्शंस बने हुए होते थे। अब उन्होंने क्या किया है, सारा क्वेश्चन बैंक सारी चीजें उठा के किताब में डाल दी है। अब आपको दो लाइनें नजर आती हैं, नीचे 5 एग्जाम्पल्स नजर आती हैं और दो पास पेपर के सवाल नजर आते हैं, फिर आगे 4 लाइनें नजर आती हैं, फिर 3 एग्जाम्पल्स नजर आती हैं, फिर एक पास पेपर का सवाल नजर आता है, जिसकी वजह से किताब काफी तकलीफ दे हो गई है, डिसओरिएंटेड हो गई है, कि जिसमें आपको ढूंढना पड़ता है कि मेरी मेरे काम की लाइनें कहाँ कहाँ हैं। एग्जाम्पल्स अगर आपने बिजनेस लॉ पहले पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया है कि एग्जाम्पल्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, पेपर में आईकैप एग्जाम्पल हरगिज नहीं पूछता ना, वो कहता है कि इस एरिया की एग्जाम्पल्स बना के दे दो, वो पूछता है जो किताब में लिखा हुआ होता है, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है। तो एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एग्जाम्पल्स की वजह से जो है वो बहुत ही दिल पे ले जाएं चीजों को और एग्जाम्पल्स को रटा मारना शुरू कर दें। आपने दरमियान में से टेक्स्ट को रटा मारना होता है। तो आईकैप की जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें कॉन्टेंट्स दिए हुए होते हैं, कॉन्टेंट्स मिक्स हुए हुए होते हैं आपके एग्जाम्पल्स के साथ, और वो मिक्स हुए हुए होते हैं प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ये बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम पे आई कि अपने पास पेपर के सवाल उठा के डाले हैं। नई स्कीम की चेंजेस जब आ रही थी तो उस टाइम पे आई कैप थोड़ा सा पैनिक हो गया था,
इन्होंने बहुत जल्दी प्लान नहीं किया था, 6 से 7 महीने पहले इन्होंने प्लान मार्च का ही किया था कि मार्च से ऑनवर्ड इसको इंप्लीमेंट करेंगे और उसके अगली वाली पैटर्न पे करेंगे। लेकिन काउंसिल जाते जाते, आपको तोहफा देना चाह रही थी, तो काउंसिल में लोगों का ख्याल ये था कि हम इस स्कीम को थोड़ा सा अर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पैनिक ज्यादा क्रिएट हो गया। आपने देखा होगा जुलाई में अचानक से अनाउंसमेंट आ गई, वो अनाउंसमेंट जिसने सितंबर अक्टूबर में जाके आना था, लेकिन चूंकि आगे इलेक्शन थे सितंबर में, तो इसलिए उन्होंने अनाउंसमेंट पहले कर दी। अनाउंसमेंट पहले कर दी तो वो किताबें जो आईकेएफ की वर्क इन प्रोसेस थी, और आईकेएफ ने सोचा था कि पहले ही हम कॉलेजेस को भेजेंगे, फिर उनके अप्रूवल लेंगे, फिर उसको अपडेट करेंगे, फिर वो दोबारा से कॉलेजेस को भेजेंगे, और 4-5 महीने का उन्होंने प्रोसेस लगाना था। हुआ ये कि वो 4-5 महीने के प्रोसेस के बजाय तकरीबन 15 दिन के प्रोसेस पे चले गए। अचानक से हंगामी बुनियादों पे उन्होंने सितंबर में टीचर्स के साथ किताबें शेयर की, कॉलेजेस के साथ, और उनसे कहा जी ये किताबें अगर जल्दी से देख ली और हमें इतने दिनों के अंदर अंदर रिव्यू करके देते हैं। उस वक्त सारे टीचर फंसे हुए थे नई स्कीम के शोर शराबे, और उसमें तो बड़े कम से कम रिव्यूज आईकेप की तरफ आए, और आईकेप की ये किताब अच्छे खासे एरर्स के साथ आ गई। मैं नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि आप आईकेप की किताब भी पढ़े और साथ में नोट्स वगैरह पढ़े, लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आईकेप की किताब थोड़ी सी ज्यादा अजियत हो गई है, थोड़ी सी ज्यादा अजियत हो गई, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालते हुए ये सोचा ही नहीं कि ऊपर वाली चीजों में से क्या डिलीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले उन्होंने 5 एरियाज बनाए हुए होते थे कि जी इस चीज के अंदर 5 हेडिंग्स हैं, और आप फर्ज करें 3 उड़ा दी और 2 रहने दी हैं, उसके बाद जो नीचे पास पेपर का सवाल कॉपी पेस्ट हुआ है वो उसमें 5-6 दोबारा से आ रही है, तो जिसकी वजह से अक्सर पास पेपर के सवाल ऊपर वाली चीज से डिस्कनेक्ट हो गए। अक्सर एग्जाम्पल जिस चीज की होती है वो ऊपर नहीं दी हुई होती, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो साथ साथ वो एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो बार बार ये बता रहे हैं कि सर हम बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं। अगर आपने आईकेप को एक दफा देखा हुआ है, या आपने पहले बिजनेस लॉ के पेपर में थोड़ा सा चीजें देखी हैं, तो जब आप किताब देखेंगे तो आपको बहुत डिसओरिएंटेड सी फील आएगी कि आपका फोकस बुरी तरह से आउट हो जाता है। तो अगर आप अपने तौर पे एग्जाम्पल शौक से पढ़ना चाहें आप पढ़ें, अदरवाइज ये है कि हम आपको कोशिश कर रहे होंगे कि टू द पॉइंट बात चले। अब इसमें एक दूसरी किताब मेरी भी होती है, बिजनेस लॉ मेड इजी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सोर्स बुक के तौर पे थ्रू आउट पाकिस्तान में चलती है। तकरीबन 2,500 से 3,000 कॉपीज इसकी थ्रू आउट जा रही होती है पाकिस्तान भर में। तो होता ही है कि आईकेप की किताब से टक्करे मारने के बाद बच्चे कहते हैं कि ठीक है बातें समझ आ गई, कोई ऐसी किताब हो जिसमें शॉर्ट करके लिखा हो, तो ये जो कंटेंट्स हैं ये इसमें शॉर्ट करके दिए हुए होते हैं बुलेट्स फॉर्म में, उसके बाद नीचे यानी कि ये खत्म हो गया, तो जब चैप्टर खत्म होता है तो पास पेपर के सवाल होते हैं। बैटरी इज रनिंग लो, बैटरी का कोई, ठीक है जी। तो इसमें आपको नोट्स का पोर्शन मिलता है, नोट्स का पोर्शन जैसे ही खत्म होता है उस चैप्टर के वो पास पेपर के सवाल जो अब बच गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि अब सारे पास पेपर रेलेवेंट नहीं है, हमारे कोर्स के साथ बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो इसलिए फिर वो सवाल जो बच गए हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, और जितने भी कंटेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो किताब के बिल्कुल एंड पे दी हुई है, और उसको क्रॉस लिंक कर दिया कंटेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट में एक जगह लिखा हुआ है कि ये एक चीज है, उसके साइड पे लिखा हुआ होगा 73 छोटा सा करके, और 73 नंबर पे उसकी एग्जाम्पल एंड ऑफ द बुक पे दी हुई होगी। एंड पे एग्जाम्पल दी हुई होगी, तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी किताब जो है वो उतनी रहती है कि जितना आपने याद करना। फिर एक चीज ध्यान में हमने रखनी है कि याद कितना करना और लॉजिकली कितना समझना है। बी लॉ में जहां जहां आपको लंबी चौड़ी बुलेट्स नजर आए कि ये 6 कंटेंट्स हैं, ये 5 एसेंशियल्स हैं, ये 7 रिक्वायरमेंट है, जहां भी आपको 4 या 4 से ज्यादा बुलेट्स नजर आ रही है पॉइंट्स की, इसका मतलब है कि वो ऐसे पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं स्टैंड अलोन, और अगर कहीं एक आध लाइन है उसकी इंटरप्रिटेशन है फिर अगली लाइन है, तो ज्यादातर आपको पता है यहाँ लॉजिकल सवाल आते हैं, लेकिन कभी कभी क्रमिंग बेस्ड सवाल भी आते हैं, तो थोड़ा सा इस तरफ भी चलते हैं। तो ऐसे में अगर आप आईकेप की किताब यूज करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि उसमें एरर्स हैं, यानी कि आप ये मत सोचिएगा कि अगर उसके अंदर आप कहेंगे कि सर ये इसका सवाल इससे कैसे आंसर हो रहा है, तो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा, क्योंकि प्री रिजल्ट में भी कुछ स्टूडेंट्स ने जब ये चीज बताई और अक्सर ने पूछा सर ये वाला सवाल किस तरह से है, तो वो मजे की बात है कि वो सवाल का जवाब ऊपर दिए हुए कंटेंट से हो ही नहीं रहा होता, वो तो पुराने कंटेंट से हो रहा होता है। तो अब जब कंटेंट चेंज हो गया तब तो हमने चेंज हुए हुए कंटेंट को देखना है, तो आप आईकेप की किताब अगर यूज करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए करें, बस जो उसमें एग्जांपल्स दी हुई है और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं फिलहाल उनको इग्नोर कर दें, नहीं तो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसी तरह से मैंने उसमें से सॉर्ट करके कंटेंट्स में
चीजें बताई हुई हैं। पास पेपर सिर्फ उतने रखे हैं जितने अब लेटेस्ट कंटेंट से आंसर होते हैं, और एग्जांपल्स भी वो हैं जो कि उन्हीं कंटेंट को एक्सप्लेन कर रही हैं जो किताब में दिया हुआ। तो ऐसे में आप मेरी बुक भी यूज कर सकते हैं, आईकेप की बुक भी यूज कर सकते हैं, दोनों की बुक भी यूज कर सकते हैं। आईकेप की बुक को एक दफा तसल्ली के लिए स्किमिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि इसमें सारी चीजें एक जगह इकट्ठी कर दी जाए और इसको एक रीजनेबल प्राइस पे किसी तरह से सेट कर दिया जाए, तो पब्लिशर से काफी ज्यादा बार्गेन करके इसको मैं काफी रीजनेबल प्राइस पे जो है वो अवेलेबल करवाने में थोड़ा सा कामयाब हो गया हूँ। तो अल्लाह करे कि चीजें इसी तरह से चलती रहे, बाद में प्राइस ना चेंज हो जाए। तो ये मेरे ख्याल में शायद 350 की मिल जाती है, शायद वही बुक डिपो पे। यहाँ पे पता नहीं कितने की दे रहे होंगे, कुछ आइडिया यहाँ पे क्या प्राइस है? यहाँ पे भी 350 बस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप इस किताब को यूज कर सकते हैं, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और इसकी इतनी प्राइस भी नहीं है कि आप सोचें अच्छा चलो रहने देते हैं, कोई बात नहीं, किसी दोस्त से थोड़े से हैंडआउट ले लेंगे या कुछ और। स्टिल अगर आपको लगता है कि किताब खरीदने में भी पैसे जाया होंगे, तो इसका एक सॉफ्ट कॉपी भी मैंने अवेलेबल की हुई है स्टूडेंट्स के लिए। इसकी सॉफ्ट कॉपी का लिंक, इन लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा? इनका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा क्योंकि ये तो फिजिकल ऑडियंस है जी, ये प्योर फिजिकल क्लास है। हाँ, फिर हम इनको एक मैसेज कर सकते हैं, सादा मैसेज नीचे मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें हम किताब का सॉफ्ट लिंक जो इन्हें भेज देंगे, ये जो बिजनेस लॉ मेड इजी किताब है ये सॉफ्ट में भेज देंगे। तो उससे जो है वो फिर ये मसला भी खत्म हो जाएगा कि अगर आपको किताब लेने में दिक्कत थी तो ठीक है, आप सॉफ्ट में कम से कम उसे यूज कर सकेंगे। आपको ऐड कर दिया गया? नहीं, ये आपको एडमिशन के टाइम ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। चलें ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये लोग ग्रुप में ऐड हो भी जाएं तो ये अजम्पशन हमारी ये है कि हमारी एक फिजिकल क्लास है। बड़ी मुश्किल से तो फिजिकल, असल में क्लास शुरू भी फिजिकल होनी थी, बट हादसाती तौर पे इन्होंने कुछ गलती से कुछ एडमिशंस कर लिए थे 90 के करीब, गलती से, मतलब अजीब सी गलती है। गलती में बंदा दो एडमिशन करता है, तीन करता है गलत फहमी में, तो इन्होंने को गलत फहमी के अंदर ही को 90 ऐसे एडमिशन कर लिए कि उसके बाद फिर हम बाउंड हो गए और क्लास को दोनों पैटर्न पे लेके चलना पड़ा। अदरवाइज मैं चाह रहा था कि इस क्लास को हम प्योर फिजिकल पैटर्न पे करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी तरफ देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे में यहाँ कुछ लोग बेचारे तंग आ रहे होंगे, सर वो मेरे सवाल का जवाब, सर आपने मेरी बात तो पढ़ी नहीं। अब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते उधर देखूँ तो पता लगेगा कि 10 मिनट गुजर गए, मैं आपके सामने तकरीर कर रहा था। तो ऐसे में ना, और अगर इनको देख के बार बार पढ़ते रहे तो सामने वाला कहता है कि इससे बेहतर था मैं घर बैठ के ऑनलाइन एडमिशन ही ले लेता, अगर मुझे यही स्टेज पे खड़े हुए टीचर नजर आते। आप देखे ना, मैं बाउंड हो जाता हूँ कि मैं मूव नहीं कर सकता। तो हुआ ये कि क्लास इस तरह से शुरू हो गई, तो देन मैंने इनसे फरमाइश की कि जब पोस्ट रिजल्ट आए तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हम लोगों ने फिर यही तय किया कि अगर हमारे पास अलग टाइम अवेलेबल हो या ना हो, वो अवेलेबल होना था फिर शाम रात के करीब, तो फिर हमने इस क्लास को एक लॉजिकल पोर्शन में डिवाइड कर दिया और एक खास लेवल तक सिलेबस खत्म करा के, और अब हमने इसमें पोस्ट रिजल्ट के स्टूडेंट्स को इनवाइट कर लिया। तो इससे फायदा ये होगा कि हम लोग पोस्ट रिजल्ट में खासतौर पे अदर लॉस के एरिया से शुरू करेंगे, एक खास पैटर्न पे चलेंगे और फिर पलट के आएंगे और एंड पे कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो ऐसे में ये क्लास आप लोगों के लिए फिजिकल चल रही होगी, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्री रिजल्ट के पहले से बैठे हुए होंगे, उन्हीं के लिए वो ऑनलाइन भी चल रही होगी। फिर जब वो पोर्शन खत्म हो जाएगा और जब आप लोगों को मैंने वो वाला पोर्शन कराना होगा जो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है, तो फिर ये क्लास प्योर फिजिकल पे शिफ्ट हो जाएगी और ये पे डिवाइस और वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ प्रोजेक्टर से मेरी डिवाइस कनेक्ट हुई भी होगी फॉर द पर्पज ऑफ कि आपको स्क्रीन नजर आती रहे, बल्कि मेरी कोशिश तो ये भी होगी कि ये स्क्रीन भी हट जाए और मैं मार्कर से आपको पुराने दौर के रवायती टीचर की तरह जो है वो पढ़ा सकूं। तो ये एक पैटर्न है। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? फरवरी का दिन हम नहीं चढ़ने देंगे इंशाल्लाह। ये है कि जो अब पुरानी बुक थी उसकी थोड़ी बहुत पिक्टोरियल हमारे जेन में बनी हुई है। ठीक है, देखिए अगर पुरानी किताब आपके जहन में थोड़ी बहुत ज्यादा आपके जहन में, पहले तो एक बात है, अगर आप सी लॉ में ये बात करें तो मैं कहूंगा चलें ठीक है आप पुरानी किताब लेके चलते रहें। बी लॉ में ना छोटी छोटी सी बेतहाशा चेंजेस है, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन की चेंज है, बीच बीच में ना चलते चलते अचानक से पता लगता है ये चीज गायब हो गई, ये टूट गई, इसके 2 हिस्से हो गए, इसके 5 हिस्से हो गए, ये एक हो गया। तो रिकमेंडेड मेरा ये है कि आप नई पे आ जाएं, नई इतनी बड़ी नहीं है कि आप उस पर परेशान हो। फिर भी अगर पुरानी किताब आपके जहन में है, मैं आपको बताऊं ये ज्यादा मुश्किल काम है,
आप ना हर कंटेंट पढ़ते हुए सोचते रहेंगे, अच्छा ये इधर 3 लाइनें लिखी हैं, सर ने क्लास में 2 लाइनें बताई हैं, पता नहीं नई वाली किताब में 2 लाइनें या 3 लाइनें, फिर आप नई वाली किताब देखेंगे, अच्छा 2 लाइनें, फिर पुरानी किताब में आएंगे, एक लाइन डिलीट करेंगे, बहुत अजियत में रहेंगे। अगर आपके जहन में पुरानी किताब की शक्ल है तो वो अल्फाज काफी हद तक आपको नई किताब में भी मिल जाएंगे, लेकिन आप वरना परेशान रहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल ऑफर के असेंशियल्स, पुरानी किताब में दिया हुआ था तो ऑफर के असेंशियल हैं, नई किताब में आप आई के अपने क्या कहा है, ऑफर के लिए ये दो तीन चीजें जरूरी हैं, दो तीन चीजें हुई, फिर नीचे लिखा हुआ देर आर सम अदर पॉइंट्स आल्सो, फिर नेगेटिव कंफर्मेशन ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों में लिखा होता था, ऑफर से उठा के एक्सेप्टेंस के अंदर डाल दिया। अब वो ना छोटी छोटी सी इतनी खिचड़ी बन गई है कि दिस इज गुड कि हम नई किताब की तरफ आए, तो रिकमेंडेड ये है कि आप नई किताब की तरफ आए, लेकिन अगर आप पुरानी किताब से भी दोस्ती रखना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि दिक्कत ज्यादा होगी, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं। सीलो तो सर वही फॉलो कर लेना। जी सीलो में आप वही फॉलो कर सकते हैं, सीलो में दो नए चैप्टर ऐड हुए हैं, सीलो के लिए दोपहर 2 बजे की नशरियात, दोपहर 2 बजे एक और कमरे में सीलो की ओरिएंटेशन इसी तरह से हो रही होगी, तो वहां मैं सीलो में बताऊंगा कि किताब में क्या क्या चेंजेस हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा बी लॉ के ऊपर बात करें जो हमारा मेन फोकस एरिया है। ये तो आपको क्लियर है ना कि ये दो अलग अलग पेपर है और ये बी लॉ फुल फ्लेज 100 नंबर का पेपर है। अब हम इस बी लॉ के ऊपर बात करते हैं। किताब पे मैंने आपको कहा कि आइडियली आप मेरी वाली किताब ले लें, और अगर आपको लगे कि शायद ये इसलिए अपनी किताब को अच्छा कह रहे हैं कि उससे इन्हें पैसे मिलते हैं, मैं आपको बता दूं इस किताब से मुझे कभी पैसे नहीं मिले, क्योंकि इसमें मैंने अपना मार्जिन खत्म करके इसकी कॉस्ट उस तरह से कर दी होती है कि ये स्टूडेंट्स को सस्ते में मिल जाए। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं जी मैं क्यों 350 जैसी खतीर रकम खर्च करूं, तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में एक मैसेज आ जाएगा, उसमें किताब सॉफ्ट में आपसे शेयर हो जाएगी, चैप्टर वाइज टूटी भी, आप उस सॉफ्ट को भी यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेड है ले लें, लेकिन वही बात है कि क्योंकि मेरी अपनी किताब है तो ऑडिट में एक थ्रेट होता है, उसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जिसमें मशवरा देने वाला एक ऐसा मशवरा देते हैं जिससे मशवरा देने वाले को फायदा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको फिर भी लगे कि ये पैसे ज्यादा हैं, तो आपको सॉफ्ट में मैं पूरी किताब भी शेयर कर दूंगा, आप उसको यूज करना चाहें सो कर लें, लेकिन मशवरा ये है कि ये खर्चा कर लें, मतलब ये खर्चा आपको फायदा देगा नुकसान नहीं देगा इंशाल्लाह। इधर ये प्री रिजल्ट वालों को फ्री में देते हैं, पोस्ट रिजल्ट वाले जो है ना उनको ये फ्री में शायद नहीं देते, इसमें पता नहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, एक दफा मैं पूछ लूंगा, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसे ही है, ठीक है। ये पोस्ट वालों को ना असल में दो तरह के पोस्ट होते हैं, एक होता है कि क्लास चल रही है आपसे कह दिया आगे भाई पीछे बैठ जाओ, जो चल रही है क्लास बस उसमें चलते रहो, और आप कहते हैं अच्छा वो पीछे वाला, वो कहते हैं जी वो क्लास तो ऑनलाइन चल रही थी, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जाके देख लेना, इस क्लास में ये कमिटमेंट नहीं है, इस क्लास में हमने सारा पढ़ाना है, यानी कि ये वाली क्लास में हम पहले जो प्री रिजल्ट वालों को एक खास जगह पे कट लगा दिया कि बस वहां तक पढ़ चुके, वहां से एक नया सिलेबस एरिया शुरू हो रहा है जिसका पीछे वाले से ताल्लुक नहीं है, तो हम वहां से आगे चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अक्सर को सिलेबस तो पता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, लीगल सिस्टम, ये चीजें होती थी, तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने खत्म कर लिया क्लास में, और अब हम बाकी लॉस की तरफ आएंगे, जब बाकी लॉस खत्म होंगे तो हम एंड पे फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोबारा से ओपन करेंगे, यानी आपके लिए पहली दफा ओपन हो रहा होगा, तो आपको इस क्लास में 100% मिलेगा, इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन एक्सेस नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन एक्सेस दे दी ना तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकेंगे, आपको यही होगा मैं काम करता हूँ सर तो बहुत ही स्लो जा रहे हैं, सर पता नहीं किस जमाने के हैं, मैं अपने हिसाब से रफ्तार चलाऊंगा, तो पता लगेगा मैं आगे आगे चल रहा हूँ, आप उसके साथ साथ पीछे वाले चैप्टर भी कर रहे हैं, ना आगे वाला सही से हो रहा है ना पीछे वाला सही से हो रहा है। बिल्कुल, असल में मैनेजमेंट को एहसास हो गया होगा कि ये क्लास, क्योंकि हमने पता है क्या, मैं इस क्लास में उनसे एक फरमाइश की थी कि इसे खाली फिजिकल करें ताकि लोग सीरियस रहें, उन्होंने फरमाइश नहीं सुनी, हुआ ये कि इन्होंने तकरीबन सामने 250 एडमिशन किए, नीचे के कमरे में लाइव स्ट्रीमिंग में 100 के करीब एडमिशन किए, और 150 सुपर ऑनलाइन में एडमिशन किए, 500 के करीब बच्चे आ कितने रहे होते थे, अभी कुछ दिनों पहले एक दिन मैंने काउंट किए थे सामने 125 बच्चे बैठे हुए थे, और जो ऑनलाइन थे वो कोई शायद 30 थे या 35 थे, यानी 500 प्लस बच्चों में से 200 बच्चे भी नहीं आ पा रहे थे, क्यों, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है बाद में देख लेंगे, तो उससे वो जब ये फील आती है ना कि बाद में देखा जा सकता है तो वो फिर वो सीरियसनेस ही खत्म हो जाती है। प्री रिजल्ट का बच्चा हम जितना मर्जी उसे सीरियस कर लें वो ठंडा बच्चा है, लेकिन आप लोग अभी, आपको याद करें हफ्ते पहले कितना जोश था आप में, तो ये वाला जोश अब जिंदा रखना है और अब हमने आगे चलना है इंशाल्लाह ताला, तो इसलिए आपको साथ साथ सीरियस होना है। फिर भी अगर आपको गलत फहमी थी कि शायद इसकी ऑनलाइन एक्सेस मिलेगी, आप नीचे जाके मैनेजमेंट से कहें आपने धोखा कर दिया, हम इस क्लास में एडमिशन नहीं ले रहे, हमने हर जगह बड़े वाजे वाशगाफ अल्फाज में से बताया कि ये प्योर फिजिकल बैच है,
इस वक्त सिर्फ आधे सेशन में मजबूरी ये है कि पीछे से कुछ बच्चे चले आ रहे हैं, तो कुछ अरसे तक ये वाला माहौल साथ से चलता रहेगा, और जब हम आपके प्योर अलग कंटेंट की तरफ आएंगे तो हम बिल्कुल फिजिकल हो जाएंगे। डन। तो कोशिश करना है कि आप लोग आते रहें साथ साथ। कॉलेज वालों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, दूसरे शहर के बेतहाशा बच्चों को एडमिशन नहीं दिया, इसलिए कि जो इस शहर के बच्चे हैं कम से कम ये जो फिजिकल आ रहे हैं ये तो फिजिकल आ सके, तो आप लोग फिर फिजिकल आते रहेंगे, क्योंकि नहीं भी आए तो आपको फिर पीछे वाला पोर्शन तो मिस हो जाए। हो सकता है किसी प्री रिजल्ट के बच्चे से दोस्ती करके आप वो वाला पोर्शन ले लें, लेकिन जब प्योर आपका वाला पोर्शन शुरू होगा तो उस वक्त तो रिकॉर्डिंग सिरे से ही नहीं होगी। नहीं जी, किताब की बात हमने समझी, एक स्टेप आगे चलते हैं। नया सिलेबस क्या है? नया सिलेबस, इसमें इन्होंने जज्बातियों की टीचिंग आवर्स भी लिख दिए, और टीचिंग आवर्स वो लिख दिए जो बिजनेस लॉ में लिखा करते थे, इसको तो इग्नोर कर दें। होता ये क्या, एक पैटर्न होता है, वो कहते हैं इतने आइडियल टीचिंग आवर्स होने चाहिए, इन्होंने बिजनेस लॉ की टीचिंग आवर्स उठाए और दोनों सब्जेक्ट को उतनी टीचिंग आवर्स बना दिए, जबकि बिजनेस लॉ को दरमियान से कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सिलेबस बहुत खूबसूरत हो चुका हुआ है। अगर आपने पिछला सिलेबस पढ़ा है तो मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूं कि जितना पहले खाली एमलॉ का पोर्शन होता था, अभी ये पूरा पेपर भी उतना नहीं है। हालांकि आपको लोग कहेंगे इसमें एडिशन हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें डिलीशंस भी बहुत हुई हैं, और इतनी बड़ी डिलीशंस हुई हैं कि एडिशन तो कुछ है ही नहीं बेचारी उनके आगे। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, लीगल सिस्टम पहले भी 5 से 8, 5 एक नंबर का होता था, ठीक है, 4 से 6 कह देते थे, इसे 5 से 7 कह देते थे, ये 5 से 8, आई बिलीव कि 5 एक नंबर अभी भी यहां से पूछते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो पोर्शन उन्होंने बना दिए, जिन दो पोर्शन को मिला के अगर हम देखें तो ये काउंटर बनता है 45 से 55। आई बिलीव के अभी भी तकरीबन 50 एक नंबर का पोर्शन यहाँ से आ रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो हिस्से बना दिए, जो कि एसेंशियल्स होते थे कॉन्ट्रैक्ट के, वो जो बेसिक एसेंशियल्स नहीं होते थे, एक पूरा पोर्शन बना दिया उस पर, और वो भी 20 से 25 मार्क्स का, और फिर उसकी जब परफॉर्मेंस वाला पोर्शन आता था तो 25 से 30। फिर अदर बिजनेस लॉज, आईकैप को असूलन यहाँ 3-4 ग्रेड बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने कहा पता नहीं नया पेपर है हम कितना पूछेंगे, तो एक अजीब सी ग्रेड दे दी 35 से 52 नंबर। अब इसमें है क्या क्या, अदर बिजनेस लॉ में जो पार्टनरशिप आपने पढ़ी थी, अब आईकैप ने उसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। उसके पहले यूनिट्स होते थे ना कि पार्टनरशिप क्या है, फिर रिलेशन ऑफ पार्टनर विद अदर, रिलेशन पार्टनर विद ईच अदर, उन्होंने उन तीनों यूनिट्स को अलग अलग चैप्टर बना दिया। अभी हम देखते हैं सिलेबस में प्लस माइनस क्या हुआ, वो भी देखते हैं। निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट के 2 चैप्टर्स बना दिए, चेक के पोर्शन को अलग चैप्टर बना दिया और बाकी अलग। 3 नए चैप्टर ऐड कर दिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, डेटा प्रोटेक्शन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट। ये 6 लॉज हैं 3 चैप्टर में, और हर लॉ के ऊपर 2 से 3 सफे लिखे हुए हैं किताब में, 2 से 3 सफे, और तकरीबन आधा डेफिनेशंस है, तकरीबन आधा, यानी एक लॉ शुरू होगा तो पता लगेगा 1-1.5 सफे तक डेफिनेशन चल रही है, और आगे बस थोड़ी सी बातें करके सर से होता है। ये तकरीबन तकरीबन क्रैमिंग बेस्ड के चैप्टर्स बना दिए हैं, तकरीबन तकरीबन। टेक्निकली पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, और वो छोटे छोटे से लॉस। 45 एक नंबर का पेपर वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर। आईकैप ने ग्रेड दे दिए 35 से 52। तो पता है ये फायदा हो गया है, जब ग्रेड थोड़ी सी फैल गई है तो उसमें अब आपकी कवरेज जो है वो आपको काफी ज्यादा बेहतर तैयारी करके दे सकती है, जबकि ये तकरीबन जितना पहले सिलेबस होता था उतना या उससे कम है, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें डिलीट भी हुई हैं। अच्छा, लीगल सिस्टम तो वही है 100% जैसे पहले हुआ करता था। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स में ऑफर एक्सेप्टेंस रेवोकेशन, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कॉन्सेंट, वॉइड एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट खाली, यानी एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिर्फ एक यूनिट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, और आपका 20 से 25 नंबर का पेपर। फिर आगे परफॉर्मेंस को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट एक चैप्टर बना दिया, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स। ये जो आखिरी 3 चैप्टर है ना, चलिए एक काम करता हूँ, मैं चैप्टर बाय चैप्टर बात करता हूँ, आपको सिलेबस समझ आ गया। अगर आपको पुरानी किताब आपके जहन में है और नई किताब आपके जहन में नहीं है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ हुआ क्या। चैप्टर 1 पुराना, ये लेफ्ट पे ओल्ड चैप्टर्स दिए हुए हैं, राइट पे न्यू चैप्टर्स दिए हुए हैं। अगर कोई एडिशन खुदा ना खास्ता हुई है तो वो यहाँ इस वाले कॉलम में आएगी, और जहां डिलीशंस हुई हैं वो यहाँ आएंगी। मैंने वर्ड लिखा हुआ है मेजर एडिशन, मेजर डिलीशन, छोटी मोटी तो बहुत सारी चेंजेस हैं, लेकिन जो काबिले जिक्र चेंजेस है ना, जो आपको बड़ा वाज़े नोटिस होंगी, हम उनके ऊपर बात करेंगे।
चैप्टर वन कोई चेंज नहीं, जैसे पहले होता था वैसे ही अभी भी है। अब अगेन वो लोग जो पहली दफा बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, अभी मेरी जो अगले 5 मिनट तक डिस्कशन हो रही है वो आप लोगों के साथ नहीं है, ये मेरी डिस्कशन उन लोगों के साथ है जिनको पिछली किताब की आदत है, उनको मैं पिछली किताब से इस किताब तक का सफर करवा दूंगी वो किस तरह से है। नंबर टू, इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको रिप्लेस कर दिया उन्होंने ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन से। आपको याद होगा पुराना चैप्टर टू है उसमें बताया होता था कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के होते हैं, वैलिड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, ये वैलिड वॉइडेबल ये वाली सारी डिस्कशन बड़ी लंबी चौड़ी बिला वजह की थी, वो उठा के वो चैप्टर थ्री में ले गए और इधर सिर्फ एक बेसिक डिस्कशन रखी है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, छोटी सी बिल्कुल मुनासिब सी डिस्कशन की यहाँ पे इन्होंने और बाकी सारी चीजें साइड पे कर दी। जो पहले चैप्टर टू में हुआ करता था ऑफर एक्सेप्टेंस, वो सारी चीजें उसी तरह से हैं, लेकिन जो टाइप्स ऑफ ऑफर है, चार टाइप्स ऑफ ऑफर होती थी, वो अब किताब में मौजूद नहीं है, स्पेसिफिक जनरल और फलाना फलाना। फिर इसी तरह से एक्सेप्टेंस में सबसे तकलीफ दे चीज वो खतों के रूल्स होते थे, वो हटा दिए, लेटर बाय पोस्ट, वो बाय पोस्ट जो एक्सेप्टेंस है, टेलीफोन, टेलेक्स, वो सारे के सारे रूल्स अब इन्होंने खत्म कर दिए, आपसे बेसिक सा रूल बता दिया है। ऑल्दो सवाल पहले जैसा बना सकते हैं, लेकिन अब तकरीबन उन्होंने बहुत बेसिक कर दिया है कि एक्सेप्टेंस का मतलब है जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाए। तो ऑफर की टाइप्स खत्म कर दी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की शर्तें तकरीबन बहुत ही कम कर दी, अब 2-3 लाइनों की रह गई है। जब हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे तो उस वक्त आपके सामने वो स्लाइड्स भी आ रही होंगी। चैप्टर थ्री, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी, इसके अंदर अगर आपको याद हो तो 3 यूनिट होते थे, कंसिडरेशन होता था, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह होता था, और तीसरा इसमें फ्री वो होता था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब इसके अंदर से कंसिडरेशन में कॉन्सेप्ट होता था प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, वो खत्म कर दिया। एक छोटी चेंज है जो मैंने यहाँ सामने नहीं लिखी, कैपेसिटी ऑफ पार्टी में अनसाउंड माइंड के अंदर 3 कैटेगरीज और उनके अपने रूल्स होते थे, वो खत्म कर दिए उन्होंने, बस मोटे मोटे 2 रूल्स बता दिए कि ज्यादा अनसाउंड हो या कम अनसाउंड हो तो क्या होता है। वो जो सारी बातें थी किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, फलाना फलाना, सब कुछ छोड़ गया, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि मैं उसे छोटी चेंज मानता हूँ, मैं भी बता रहा हूँ बड़ी चेंजेस। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कुछ एग्रीमेंट दिए हुए होते थे, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, फलाना ये हो गया, वो हो गया, रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट एंड इस तरह से करके, वो सब खत्म हो गया। अब आपका ये जो लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है, ये 5 लाइनों का यूनिट बन गया, इसमें से तकरीबन सारी चीजें उड़ा दी। अच्छा, मेरी अजम्पशन ये है कि आपको पिछला भी पता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पिछला भी भूला बैठा हो और मैं एवं की एक जज्बाती तकरीर कर रहा हूँ, पिछला पता है। अच्छा, इस क्लास का ऑफिशियल टाइम 12:30 होता है, ओरिएंटेशन थी तो हम लोगों ने मार्जिन रखा था कि लोग थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे होते हैं, तो अब अगर हम ओरिएंटेशन को कहते हैं जी ओरिएंटेशन 1 बजे और लोगों के जहन में होता है 1 बजे बैच और वो कहीं 12:45 पे फ्री हो रहे होते हैं और वो खामखास बैच के साथ कंबाइन कर लेते, तो इसका ऑफिशियल क्लास का टाइम है 12:30 से 1:45 तक, 1.25 घंटे की क्लास होती है, बट ओरिएंटेशन तकरीबन होती है आपको पता है कि 40-1 मिनट की एक्टिविटी होती है, तो हमने इसमें ऑन सेफर साइड 1 बजे का रखा था, लेकिन उसको कम्युनिकेट करें तो बच्चों ने फिर 1 बजे को जहन में रख के 1:30 बजे आना था, तो बल्कि इससे इतना रिलैक्सेशन थी कि ये लेट शुरू हो रही है कि मैं पिछली क्लास में भी नहीं पहुंच सका, मैं इतना को रिलैक्स हो गया, मैंने कहा आज तो 1 बजे काम है, पर याद आया कि वो 11:30 बेचारे एक क्लास थी, वो बेचारी खराब हो गई। फ्री कॉन्सेंट एंड वॉइड एग्रीमेंट, चैप्टर 4 याद है, वॉइड एग्रीमेंट होते थे, फ्री कॉन्सेंट होती थी, वही दोनों चीजें अभी भी हैं, इसमें आर्बिट्रेशन के अंदर कुछ चीजें एड हो गई हैं। आपको याद होगा लीगल प्रोसीडिंग के अंदर आर्बिट्रेशन की एक एक्सेप्शन होती थी, अब उसके अंदर उन्होंने कोई 8-10 लाइनें लिख दी हैं, ये एक थोड़ी सी नई बात है। दूसरा, वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर 7-8 लाइनों के कुछ नए रूल्स डालती है, 7-8 लाइनों के ज्यादा से ज्यादा। डिलीशन क्या हुई है, अंडी इन्फ्लुएंस में एक रिलेशनशिप की लिस्ट होती थी वो फारिग हो गई, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स खत्म कर दिए, दोनों की एक्सेप्शन पहले 5-5 होती थी अब 1-1 पे ले आए हैं। मिस्टेक के अंदर से बहुत सारी डिलीशन है, मिस्टेक अब चंद लाइनों पे रह गया बेचारा, जो बहुत सारी बातें उसमें होती थी वो तकरीबन मिस्टेक 2 टाइप है, 1 टाइप है, 1 टाइप में वो 2 में एक्सेप्शन है, 2 टाइप ये 6 तरह की होती है, सब उड़ा दिया। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा होते थे, पार्टनरशिप के ये एक्सेप्शन, फलाना सर्विस एग्रीमेंट, अब सिर्फ 1 रह गया है, वो जो एक दुकानदार दूसरे को अपनी गुडविल बेच देता था। वेजनिंग एग्रीमेंट की बहुत सारी एक्सेप्शन को खत्म करके सिर्फ 1 पे ले गए, तो ऐड थोड़ा सा किया और डिलीट करने पे आए तो सारी चीजें उड़ाते चले गए।
चैप्टर 5 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप किताब में दो चैप्टर्स में डिवाइड हो गया है, 6 में और 7 में। जो 6 है ना, ये दो चैप्टर से निकला, पुराने 6, जो पुराना 6 था और पुराना 5 था, थोड़ा सा पोर्शन 6 में 5 से गया है और कुछ 6 से 6 में गया, नए वाले 6 में। और जो 7 है वो प्योरली चैप्टर 5, चैप्टर 5 का अगर मैं प्योर हिस्सा देखूं तो वो चैप्टर 7 है और कुछ हिस्सा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था चैप्टर 5 में, पहले वो खत्म कर दिया। टाइम एसेंस की बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स होती थी, अब उसको थोड़ा सा कम कर दिया, सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेस कर दिए, कब कब टाइम एसेंस होता है वो सारी बातें वो अब किताब में उस तरह से नहीं देगी। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमिडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर 6 में थोड़ा सा गया है और चैप्टर 9 में बना है। अब इसमें से क्या उड़ गया है, लैप्स ऑफ टाइम पे जो डिस्चार्ज था वो खत्म हो गया, बायपोरेशन ऑफ लॉ वाले डिस्चार्ज की खत्म हो गई, ब्रीच और ब्रीच के सारे रूल, एंटिसिपेटरी ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, उस ब्रीच में ये होता है उसमें, सब उड़ा दिया। डैमेजेस की सारी काइंड उड़ा दी है, डैमेजेस के सारे रूल उड़ा दिए हैं। आपको पता है कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना है, आईकेप की किताब में उन्होंने एग्जाम्पल डाल के थोड़ा सा इज्जत वाला किया है, मैंने उसको एक सफे में कवर किया। अब इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज का फर्क रह गया, रिमोटनेस ऑफ डैमेज का एक छोटा सा पैराग्राफ है। जब ब्रीच के कॉन्सिक्वेंस में आते हैं तो वो आपको बताते हैं पेनल्टी किसे कहते हैं और इंटरेस्ट की स्टिपुलेशन क्या है, बस सब कुछ खत्म, एग्जाम्पली फलाना फलाना फलाना। तो चैप्टर जो 6 होता था ना पुराने जमाने का, समझे उसमें से मुश्किल से आईकैप की नई किताब ने 1-1.5 सफा उठाया, मुश्किल से। जी जी सवाल ये कि क्या वो पूछेगा भी सिलेबस में, ऑब्वियसली भाई कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि जी हमारे साथ जुल्म हो जाएगा या इस तरह से करके, जो है वही पूछा जाएगा। मैं ऑन से थोड़ा सा आपके जहन में वो खोलनी ही वहीं से, सेफर साइड में एहतियातन आप relations resembling those created the contract, नाम जरा पता है इसका मतलब है कौसा है contract, contingent contract में कुछ एक टेबल ऐड कर दिया, थोड़ा रूल्स ऐड कर दिए। टीचर पहले जबानी जबानी मोटी सी बात करते थे कि देखो अगर कंटिजेंट और इवेंट हो जाए तो वो वैलिड होगा और ना हो तो क्या, ये एक एक सफे के चैप्टर में बेचारे क्या क्या उड़ा दिया है। कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्वांटम मेरिट का कॉन्सेप्ट होता था, उसके रूल होते थे, उड़ा दिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उड़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सारा उड़ा दिया, बिल मैच सब उड़ा दिया, यानी चैप्टर 7 चैप्टर होता सब कुछ उड़ा दिया है। ये अपने दोस्तों को बताएं, उसे कहें यार खुदा के लिए दे दो दोबारा पेपर, अब निकालने का टाइम।
वो कह रहा है ले जाओ हम शर्मिंदा है, वो अपने पुराने गुनाहों का प्राश्तस क्या प्राश्यस पता नहीं क्या, हाँ प्राश्चित पता नहीं क्या जो भी है, तो वो करना चाह रहे हैं। तो दिस इज द टाइम आए और ले जाए माल। जी क्या ये एक दो अटेम्प्ट के लिए होगा, ये यही चलेगा? ये एक बड़ी खतरनाक सी बात है, इसका मैं ऑफिशियल जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन अनऑफिशियली ये बात बता दूं कि जब पेपर बनाने बैठेंगे ना आईकेएफ वाले, तो फिर उन्हें पता लग जाएगा कि उन्होंने उजाड़ दिया सिलेबस। फिर इसका दोबारा रिव्यू करेंगे, और जब दोबारा रिव्यू करेंगे तो ऑब्वियसली इन्हें पता लगेगा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें गायब कर दी। और जब इन्हें समझ आएगा कि अब ये 100 नंबर का पेपर बन गया, और अब इसमें से पेपर निकालें कहां से, और बच्चे तो पास होना शुरू हो गए हैं, तो आई एम ऑफ द ओपिनियन के शायद अगली नहीं तो उसी अगली अटेम्प्ट में ये बहुत मेजर रिविजन करते हैं इसके। नहीं असल में उतनी ही जगह है, आप उतना सोचें जितना आपने पढ़ा था, आपने जितना पढ़ा था अभी आपने उससे कम पढ़ना है। तो ये है कि जाहिर है स्प्रेड ज्यादा हो गया ना, वो कहीं से भी किसी, तो पहले भी पूछ सकते थे, पहले 50 नंबर में आप डरते थे, अब 100 नंबर में आप डरे। थोड़ा सा इस पे आगे चलते हैं, एजेंसी, एजेंसी पहले चैप्टर 8 होता था, अब चैप्टर नंबर 10 है। और यहाँ पे पहले मैं एक लिस्ट बनाने लगा, लेकिन वो लिस्ट इतनी बनी कि ये मेरी ये वाली जो शीट है ये मतलब एक सफे पे नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने लिख दिया ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर डिलीटेड, एक्सेप्ट जो बच गया वो लिख दिया। एजेंसी होती क्या है, और अथॉरिटी की 3 किस्में, ऑस्टेंसिबल, एक्सप्लिसिट, या वो जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बस वो रह गया, सब उड़ गया। एजेंसी बेचारा अब शुरू होते खत्म हो जाता है। मैंने अपनी अपने नोट्स में मैंने ना एक मोटी सी डायग्राम डाल के उसको अगले सफे तक पहुंचाया, मैंने कहा थोड़ा सा तो इज्जत दें चैप्टर को, अभी एक एक दिन के चैप्टर रह गए हैं। एजेंसी सही बात है, लेकिन मैं कितने, मैं जितने भी पेजेस बढ़ाऊ ना, मैं मुश्किल से 2 या 3 पेज बढ़ा सका इस वक्त। किताब अलोंग विद पास पेपर, ये जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे 18 चैप्टर्स मेरे ख्याल में विद पास पेपर के सवाल, जो कि जिसके लिए मैं अलग पेज से शुरू करता हूँ, मेरे ख्याल में 102 सफे पे खत्म हो जाते हैं। 100 पेजेस, तो 100 पेजेस में 18 चैप्टर हैं, और 18 चैप्टर के पास पेपर के सवाल हैं, सोचें। तो अब इससे सस्ती तो सिर्फ खामोशी। अच्छा जी, चैप्टर 9 में छोटी छोटी सी डिलीशन है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं छोटी छोटी डिलीशन बता के आपको मोटिवेट करूं, क्योंकि ऑलरेडी उस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हैं। तो चैप्टर 9 के साथ पार्टनरशिप के साथ हुआ ये है कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिलहाल उसमें एडिशन तो कोई नहीं, डिलीशन भी आप समझे तकरीबन कोई नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चैप्टर 14 और 15 में डिवाइड हुआ है। बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड कोई 3-4 लाइनों के रूल ऐड हुए हैं, 3-4 लाइनों। और पेमेंट ऑफ चेक जो है उसके अंदर जो चीजें थी वो थोड़ी सी रिवाइज की, उसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है पहले से। 3 नए चैप्टर ऐड हुए हैं, 16, 17, 18, तकरीबन हर चैप्टर जिसमें दो दो लॉ है 5 से 6 सफे का। नहीं इंतहाई बोरिंग है। एक भाई ने पूछा क्या ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं इसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, थोड़ा सा सियासी एतबार से आपको मजा देगा बस, इसके अलावा इसमें कंपटीशन एक्ट आपको अच्छा लगेगा, बस ये दो ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, बाकी ज्यादातर रटे वाले हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और वो सारा कुछ है, तो एक टेबल दिया हुआ है, ये वाला क्राइम हो तो इसकी इतनी सजा है, ये वाला क्राइम हो तो इतनी सजा है, ये क्राइम हो तो इतनी सजा है, चैप्टर खत्म, मतलब वो पोर्शन ही खत्म हो जाता है। डेज याद नहीं होते वो कैसे याद करने हैं, डेज एमलॉ में इतने होते ही नहीं थे। तो सीलो का, सीलो में देखेंगे, वो 2 बजे वाले अंकल से पूछेंगे, अभी ये जो 1 बजे वाले अंकल हैं वो जो बता रहे हैं उनको ध्यान से सुन। बिजनेस लॉ के साथ अब क्या इश्यू होना है, अब होना ये है कि आप बातें सुनते हैं आपके चेहरे पे जितनी मुस्कुराहटें आ गई हैं, तो अब इसको फेल करना बड़ा आसान होगा। पहले बंदा बड़ा मुश्किल से फेल करता था, बड़ी एफर्ट करता था, बड़ी कोशिश करता था, जिद्दोजहद करता था, तब जाके फेल होता था। अब सब कहेंगे यार ये तो शुगल हो गया है, इस पे क्या पढ़ना, अब ये फेल आराम से हो जाया करेगा, अब इतनी दिक्कत नहीं देगा ये फेल होने से पहले जितनी पहले दिक्कत देता था। बात समझ आई है? तो इसको आसान नहीं समझना, अगर ये 100 नंबर का पेपर है तो आईकैप ने इसको इतना तो इज्जत जरूर देनी है। ऑब्वियसली वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाने की कोशिश करेगा, अब सिलेबस कम है उसे गुस्सा तो चढ़ेगा, अगली दफा सिलेबस रिवाइज करे ना करे वो बात की बात है, बट आज की डेट में वो थोड़ा सा ट्रिक तो ऐड करने की कोशिश करेगा पेपर में। रिटेंशन हमेशा से मसला होता था, अब नहीं है क्योंकि अब इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, और आपको पता है सीलो में लंबी लंबी लिस्टें होती थी, एमलॉ में इतनी लंबी लिस्टें नहीं होती थी, जिसको हम पहले एमलॉ बोलते थे वो बीलॉ है।
आईकैप का सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है, ये पहले भी मसला था, ये आज भी मसला है, इसके ऊपर मैं ड्यूरिंग लेक्चर्स बात कर रहा हूँ एक दफा दोबारा से कि ये क्या अप्रोच है। फिर जो नए बच्चे एएफसी पीआरसी करके बिजनेस लॉ में आएंगे उनकी वही अप्रोच होगी कि थ्योरी को ज्यादा इज्जत नहीं देनी, वो न्यूमेरिकल पे ही फोकस करते रह जाएंगे और इसकी वजह से वो नॉन सीरियस एटीट्यूड यहाँ पे खराब करेगा। फिर शॉर्टकट्स, सिलेबस आउटलाइन अभी आपने देखी, आपके जहन में मनफी ख्याल आ रहे थे, अच्छा वो चैप्टर वो चैप्टर वो ऐसे कर लूंगा वो ऐसे कर लूंगा, ये जो अभी से प्लानिंग शुरू कर देते हैं भाई, 100 सफे में पास्ट पेपर्स के सवाल भी डले हुए हैं सारे, कभी उनको गिनने बैठे हैं तो शायद 70 सफे के अंदर पूरी किताब खत्म हो जाती है नोट्स का पोर्शन। इसमें अब मजीद शॉर्टकट नहीं मानना चाहिए मेरे ख्याल में, अब वो टाइम आ गया है कि अब हमें किताब का एक एक चैप्टर पता होना चाहिए। अब ये पूरी की पूरी किताब 100% आप अपने एक नीट रजिस्टर 100 सफे पे लिख सकते हैं साहब, 100 सफे का एक नीट रजिस्टर हो, 100 सवा 100 सफे का, उसमें मेरी किताब जो चैप्टर खत्म हो मेरी किताब सामने रखें, अपने नीट नोट्स बना लें अपनी हैंड रिटन राइटिंग में और फिर उस रजिस्टर से याद किया करें जो आपने बनाया है, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये आसान हुआ है लेकिन इतना आसान नहीं हुआ कि बहुत ही मजे में पास हो जाए, ये बहरहाल आईकैप का एक पेपर है और अगर ये एक पेपर है और इसके पास होने से एक पेपर पास होता है तो इसको उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी कॉस्ट को मिलती है, जितनी FR1 को मिलती है। चले आप कहते हैं वो जी बड़े पेपर उस पर टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इसको ये जरूर सोचे कि ये पास होने से ग्रुपिंग के रूल भी बेहतर होते हैं, ये पास होने से आपका जो प्रेशर है ना जहन में अभी 8 पेपर वाला प्रेशर 6 पेपर वाला प्रेशर, ये पेपर पास होने से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि हमने चीजों को किस तरह से लेके चलना है। पेपर का पैटर्न 15 नंबर के MCQs और 85 नंबर की थ्योरी, ये पहले 30 हुआ करता था और 30 में 15 उधर से 15 उधर से आते थे, अब नया पैटर्न आई के अपने मॉडल पेपर से डिफाइन किया है 15 नंबर फॉर MCQs और 85 नंबर फॉर सब्जेक्टिव, तो रट्टे पे फोकस थोड़ा कम और लॉजिक पे फोकस थोड़ा ज्यादा और आईकैप को अब बदला लेने का मौका मिलेगा। आईकैप के एग्जामिनर कमेंट में ना आईकैप बड़े अरसे से रो रहा था बच्चे जुल्म कर रहे, वो क्या कह रहा होता था अगर मैं आपको बताऊं, 2017 के एग्जामिनर कमेंट में उसने कहा था बच्चों ने मर्केंटाइल लॉ में हल्की परफॉर्मेंस दी कंपनी लॉ के निस्बत, बच्चे इशू के जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में एस्पेक्ट आते हैं उसको ध्यान नहीं देते। ये पूरे पेपर का कमेंट है, अकेले बिजनेस लॉ का तो हमारे पास कमेंट नहीं है, जो पूरा बिजनेस लॉ होता था ना एम लॉ प्लस सी लॉ, एग्जामिनर ने 2017 ऑटम में कहा कि मर्केंटाइल लॉ में लोगों ने हल्का परफॉर्म किया और सी लॉ में अच्छा परफॉर्म किया और बच्चों का मेन इशू क्या है, सिनेरियो बेस्ड सवाल। फिर उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस स्प्रिंग 2018 में कहा परफॉर्मेंस इन कंपनी लॉ सेक्शन वाज मच बेटर देन मर्केंटाइल लॉ, और बच्चे सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं और सिनेरियो बेस्ड सवाल उन्हें नहीं करना आता, ये आईके बार बार रोते हुए बता रहे हैं। पता है क्या होता है, ये कि आपका पेपर रह जाता है, आप टीचर के पास जाके कहते हैं सर बताएं मैं क्यों फेल हुआ, अब उस गरीब को क्या पता आप क्यों फेल हुए, वो आपसे पूछता है जरा बताओ क्या हुआ था, आप कहते हैं मैंने 100% किताब की थी, 15 दफा रिवाइज की थी, 6 दफा पास पेपर के सवाल किए थे, 25-25 दफा सारे टेस्ट देता था। बच्चा तो उस वक्त ऐसी कुल मतलब ना छोड़ने पे आया हुआ होता है कि टीचर बेचारा सोचता है कि यार ये मतलब ये फरिश्ता कैसे रह गया आईकैप से, तो मतलब हमसे मत पूछें आप क्यों फेल हुए क्योंकि हमें तो पता ही नहीं आपने वहां क्या परफॉर्म किया था, उनसे पूछें जिनके सामने परफॉर्म किया था, वो बेचारे रोते हुए एग्जामिनर कमेंट में सवाल बाय सवाल कमेंट बताते हैं। जब अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स आए आपने उसे उठा के देखना है, उसमें उन्होंने लिखा होता है क्वेश्चन 1B में बच्चों ने ये टिपिकल गलती बार बार की, क्वेश्चन 7 बच्चे ज्यादातर फेल हुए, क्वेश्चन फलाना, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी देते हैं और टोटल भी देते हैं, मैंने आपके सामने ये ओवरऑल कमेंट रखा हुआ है। जस्ट हम देख रहे हैं कि एग्जाम आईकैप को गुस्सा किस बात का, कंपनी लॉ के सेक्शन में एक मिनट में जरा इंतजामिया को एक पैगाम दे दूं, सर जी बस उनसे नीचे कह दें कि हो सकता है 2-3 मिनट लेट हो जाए हमारी क्लास, और दूसरा ठीक है जी आप किबला मतलब उन्हें बता दें कि सिर्फ 2-3 मिनट शायद हम 2 से ऊपर जाएं, बस सिर्फ थोड़ा सा पहला दिन है, उसके बाद जो है वो आराम से सुकून से बच्चे फारिग हो जाया करेंगे, बल्कि फारिग ही हो जाया करेंगे 1.25 घंटे की क्लास के बाद। दूसरा हमारी वाली इंतजामिया नीचे 203 में, ठीक है मेरी डिवाइस मेरे पास है पता नहीं है, ठीक है यहाँ पे रखी हुई है, तो ये इसके अंदर वो कन्वर्टर भी HDMI का, तो ये डायरेक्ट प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो सकती है, तो मैं आगे इस पे कर लूंगा और टेस्ट वहीं पे ये 207 में, ठीक है बस वो क्लास आपके हवाले, मैं जरा इनको साथ इख्तितामी बातें कर लो। उन्होंने कहा कंपनी लॉ में अभी भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी, एग्जामिनर को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है,
हम कैंडिडेट्स को एडवाइस करते हैं कि इक्वल इंपॉर्टेंस दें, और खासतौर पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आई के आपको दो गुस्से हैं, एक सिनेरियो बेस्ड सवाल बच्चों को नहीं आता, दूसरा सीलो पे मेहनत करके एमलॉ में गंदी परफॉर्मेंस देगी भी पास हो जाते। अब उन्होंने क्या किया है, कट कर दिया। उन्होंने कहा अब मजा आएगा, अब है भी एमलॉ और है भी सिनेरियो बेस्ड, तो अब वो दोनों तकलीफें इकट्ठी हो गई हैं भाई के अपने बड़ी अटेम्प्टों का गुस्सा निकाल रहे हैं। ये जो बच्चे सीलो तैयार करके पास हो जाते थे ना, हाँ, अब उन्होंने इस पेपर को एमलॉ के बजाय बिजनेस लॉ कह दिया। उन्होंने कहा अब आओ असल वाला बिजनेस लॉ ये है। तो बी अलर्ट कि आईकैप सिनेरियो बेस्ड सवाल में अब परेशान करेगा। फिर उन्हें कह दिया कि जी अभी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बच्चे सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हर दफा उनको सिलेक्टिव स्टडी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दो मसले नजर आ रहे हैं। उन्हें कहा लो जी कुछ अर्से बाद मर्केंटाइल लॉ में भी बेहतर परफॉर्मेंस, वो सॉरी इंक्रीज फोकस कंपनी लॉ पे सेक्शन पे हुआ ये कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, लेकिन एम लॉ के अंदर अभी भी अनसेटिस्फेक्ट्री है। हम बच्चों को कहते हैं सारे टॉपिक्स पढ़ें, सिलेक्टिव स्टडी ना करें और सिनेरियो बेस्ड सवाल के ऊपर गौर करें। अगली दफा इतने आवाजार हुए थे, उन्होंने कहा आओ हम बताते हैं सिनेरियो बेस्ड सवाल को सॉल्व कैसे करना है, तुम लोगों को तो नहीं समझ आना। उन्होंने उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया करो, ये अप्रोच मैं आप लोगों को ड्यूरिंग सेशन बीच में बता रहा हूँ जब आपका पहला पहला टेस्ट आने वाला होगा, अभी तो सुकून माहौल चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस होना शुरू हो गई है, और इसलिए नहीं कि बच्चे अच्छे हो गए, उन्होंने कहा हम एमसीक्यूज ले आए हैं तो बच्चे शुक्र है पास होना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उनका मसला है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए ध्यान से देख लिया करें कि क्या इशू है और किस तरह से। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तो इसका मतलब है असल इशू क्या है, सिनेरियो बेस्ड। तो अब ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स ये हैं कि आपने डेली लेक्चर लेना है, मिस कोई नहीं करना, क्योंकि अगर आपने मिस कर दिया तो मैंने तो सिस्टम ही रखा है कि जो गया वो गया, अब आना पड़ेगा क्लास में। क्योंकि पोस्ट वाले बच्चे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है उसे तो सब आता है, तो वो सोचता है कि टीचर तो बेवकूफ है, पता नहीं क्या क्या फालतू बातें कराता रहेगा। अगले 3 दिन तक जो उसने कराना है, मुझे तो पहले से बहुत आता है क्योंकि मैं तो पहले से भी तकरीबन पास होने के करीब करीब पहुंच गया था। तो भाई अब आपने 41 से 50 का सफर नहीं करना, आपने 0 से 50 का सफर करना है, अब आप दोबारा फ्रेश है। तो इसलिए कोशिश करें कि आज से ही एक अच्छे स्टूडेंट बन के कोशिश करें। हम लोग वीकली यहाँ टेस्ट ले रहे होते हैं, वीकली टेस्ट ले रहे होते हैं, ऑल्दो ये पोस्ट रिजल्ट है, और पोस्ट रिजल्ट में होता ही है कि ट्रेंड होता है कि टीचर्स फास्ट पढ़ाते हैं। मैंने बिल्कुल फास्ट नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों के साथ प्री रिजल्ट के वो मासूम बच्चे भी हैं जिनके भोले भाले अजहान है, और मुझे खुशी होगी कि मैं उस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि जैसे बिगनर बच्चे मेरे सामने, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है खत्म कर लिया है, उनके अब अदर लॉस शुरू होने लगे हैं कल से। तो कल से हम अदर लॉस शुरू कर रहे होंगे, और आपको ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए होगा कि अदर लॉस नए है, कॉन्ट्रैक्ट तक जब आने हैं तो मुझे पता है आप लोगों की कितनी कुछ सीरियसनेस रह जानी है। तो बस ये अदर लॉस हम शुरू करेंगे, हम वीकली टेस्ट कर रहे होंगे 5 डेज अ वीक। सैटरडे नॉर्मली ऑफ होता है, सिवाय इसके कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे बीच में आ गई या कुछ और जिसकी वजह से हमें सैटरडे ऑन करना पड़ा। इस सब्जेक्ट को इतना सर पे तारी नहीं करना कि ये औरों को खराब करो, इतना लाइट नहीं लेना कि ये आपको खराब कर दे। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, उनने कहा लो जी एंड पे आ गया। तो अगेन कोई भी अगर आपका सवाल, कोई इशू, कोई बात जो अभी नहीं समझ आई बताइए। जो चेंजेस वाली स्लाइड है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए, फेसबुक पे आप लोग हैं, मैंने फेसबुक पे भी 3-4 दिन पहले भी शेयर की है, तो अगर आप फेसबुक पे जाके सर्च कर लें, नहीं तो हम उस मैसेज में, वो मैसेज में लिंक डाल के भेज सकते हैं पोस्ट का। चले ठीक है जी, मुझे इंतजामिया वाले जो है ना घूर घूर के देख रहे हैं कि ये क्यों नहीं खत्म हो रही। व्हाट्सएप के ग्रुप एक दफा मैं आज जरा मैनेजमेंट से क्लासेस के बाद पूछता हूँ कि आप लोगों का क्या प्रोटोकॉल है। मेरे ख्याल में शायद आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाएं, तो अगर ऐड हो गए तो फिर अब तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अगेन हमने उन ग्रुप में सवाल जवाब नहीं करने, प्रॉब्लम ये है कि फिर बच्चे उस दिन नहीं आते और सवाल वहां पे डाल के पूछ देते हैं सर जरा ये बता दे, तो वो कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं है एक्चुअल क्लास का। तो हम जबरदस्ती इसको फिजिकल रख रहे हैं ताकि आप लोग बाहर हाल मजबूरन सीरियस हो जाए। चलें ये ठीक है, ये वाला मशवरा जहन में रखते हैं कि ग्रुप बना के हम एडमिन मोड पे कर लें, चेंजेस व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल देंगे। लें जी, पहले एक पोर्शन होता था नॉलेज बेस्ड और एक होता था एप्लीकेशन बेस्ड। आपने शायद गौर किया, मैंने एक चीज जो है ना बड़े हल्के से फॉन्ट में नीचे लिखी हुई है,
क्योंकि अब उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि 40% रट्टा और 60% एप्लीकेशन, अभी ये नहीं बताया कि इस दफा क्या होगा, इसलिए मैंने हल्का सा करके लिख दिया कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, बट आई कैन इजीली से कि कम से कम 50% लॉजिकल होगा, शायद मैं कह सकता हूं कि 61% या 70% भी लॉजिकल हो। इस पेपर में अब लॉजिकल पोर्शन ज्यादा आएगा, ये मेरी बड़ी क्लियर कट असेसमेंट है, क्योंकि अब उन्होंने अकेला कर दिया ना, अब अकेला करके मारेंगे इस पेपर में, जो जितने अरसे से उन्हें गुस्सा था ना कि सिनेरियो बेस और कहते हैं बच्चे पास हो जाते हैं सीलो तैयार करके, उन्होंने अब अकेला कर दिया, अब आओ अब मजा आएगा जी। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी बाकी पेपर कितने, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी कितनी है, ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। एक काम करता हूँ, मेरी ईमेल एड्रेस आप नोट कर ले, उस पर आप इंडिविजुअल मशवरा कर सकते हैं अपना सिनेरियो बता के, मेरे ये पेपर मैंने दिए थे, इतने पास हुए थे। अब एक बच्चा वो उसने कहा सर मैंने पिछली बार 3 पेपर दिए, तीनों 20-20 के आसपास फेल हो गए, मैं इस दफा 4 उठा लूं, तो मैंने कहा क्यों चाहते हो कि 20 से नीचे आए एवरेज, 4 आएंगे तो थोड़ा सा 18-18 पे फेल हो जाएंगे सबके सब। तो अगेन हर बंदे का ना अपना एक मिजाज है, हर बंदे की अपनी हिस्ट्री, हो सकता है एक बच्चा कहे मैं 47 पे फेल हो गया था और सर अभी मैं 2 पेपर उठा के चल रहा हूँ और दोनों अच्छे चल रहे हैं, तो अब शायद मैं कह दूं अच्छा यार 2 अच्छे चल रहे हैं, 47 पे फेल हुए थे, दे दो दोनों इकट्ठे। ये दोनों का इकट्ठे लोड पढ़ने के हिसाब से तो पुराने जितना है, लेकिन जाहिर है हर अलग अलग दिन है, इसका अलग प्रेशर है, अलग टेस्ट है, अलग क्लासेस है, अलग रूटीन है, बहरहाल ये एक जीता जागता एक पेपर है, तो इन दोनों को मिला के 200 नंबर बन जाते हैं, तो ये एक अकेला नहीं है, इसको हम 1.5 पेपर के बराबर लोड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे पहले कि नीचे वाले जो है ना वो मारना शुरू कर दें, असल में हम चेंजेस के ऊपर काफी ज्यादा